देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। बिलासपुर रेंज के विभिन्न थाना चौकियों में जब्त 4 टन से अधिक गांजे को बालको के विद्युत संयंत्र में नष्ट किया गया। इसे कोयला के साथ मिलाकर विद्युत उत्पादन में उपयोग में लिया गया और लगभग 5 मेगावाट बिजली इस मिश्रण से उत्पादित की गई। इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थों का भी नष्टीकरण किया गया। बता दें कि मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए बिलासपुर रेंज स्तर पर 4 स्तरीय हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा बिलासपुर रेंज के कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और मुंगेली जिलों के नष्टीकरण योग्य कुल 190 प्रकरणों में जब्त गांजा पौधा, टैबलेट, कफ सिरप, ब्राउन शुगर और इंजेक्शन के नष्टीकरण की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष रतनलाल डांगी, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज सदस्य पारुल माथुर, पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक कोरबा, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी कोरबा अंकुर साहू और पंचों की उपस्थिति में बालको पावर प्लांट कोरबा में विधिवत जलाकर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।